अलवर जिले में अरावली पर्वत मालाओं से लगातार हो रहे अवैध खनन के खिलाफ एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर एएसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में एमआईए थाना क्षेत्र के घिगोली गांव में पुलिस ने दबिश देकर कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान 23 ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन सहित और एक जेसीबी मशीन और कंप्रेशर मशीन को भी जब्त किया गया। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अन्य से अभी पूछताछ की जा रही है। देखिए, अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र में घिगोली और गोलेटा गांव पड़ते हैं, जहां पे अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन की शिकायत काफ़ी समय से मिल रही थी। इसी सूचना पे आज हमने क्यूआरडी टीम के साथ जाके मौके पर अवैध जो पत्थरों से भर रही थी ट्रॉलियां और ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन, उनको जब्त किया है। मौके पर पहुँच के हमने माइनिंग विभाग के अधिकारियों को और एमआईए थाना की टीम को भी मौके पर बुलाया और वहां से करीब 23 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, एक जेसीबी मशीन और एक कंप्रेशर मशीन हमने जब्त की है। तो सर, किस तरह से ये काम कर रहे थे, कितने दिनों से कर रहे थे इस तरह का काम, खनन का? अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन काफ़ी पुराने समय से चले आ रहा है और अभी इसने काफ़ी तीव्रता पकड़ रखी थी और बार बार हमें सूचना मिल रही थी जहाँ की इस तरह से अवैध खनन करके तस्करी की जा रही है और परिवहन करा जा रहा है, इसलिए फिर हमने अभी प्लानिंग करके इसको एग्जीक्यूट किया है। तो सर, इसमें अभी कोई पकड़े गए हैं या कोई फरार हो गए क्या? हमने डेफिनेटली कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और बाकियों से भी पूछताछ की जा रही है, वाहन मालिकों का पता किया जा रहा है, उनको भी इसमें मुलजिम बनाया जाएगा 120 बी की IPC धारा के अंदर।